ओके दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A53 5G के बारे में। दोस्तों, क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए नहीं, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा इस स्मार्टफोन की प्राइस एंड इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों, ये स्मार्टफोन काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी जिनमें काफ़ी यूट्यूबर बताते हैं कि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त है और इस स्मार्टफोन हमें बाय करना चाहिए। क्या वाकई ये स्मार्टफोन अच्छा है, क्या वाकई ये स्मार्टफोन वैल्यू मनी है, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से बात करना छोड़ स्क्रेस्ट है, अगर आप द टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल में न्यू है तो अभी द टेक लेक्चरर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। अब दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। अब से यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी A53 5G के ओवरऑल शेप के बारे में, तो यहाँ पर आपको बैक साइड पे जो 4 कैमरा मिल जाते हैं और साइड पे आपको जो एक LED फ्लैश मिल जाते हैं। अगर बात करूँ इसकी स्क्रीन वाइज, तो यहाँ पर फ्रंट जो आपको कैमरा वो इन डिस्प्ले जो है कैमरा मिल जाता है। इन डिस्प्ले कैमरा एक यूनिक सा लगता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलती है वो 6.5 इंच मिल जाती है। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो 64 मेगापिक्सल के साथ ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये दो वेरिएंट में जो है सैमसंग वालों ने निकाला है, एक वेरिएंट है 4GB, दूसरा है 8GB। अब यहाँ पर जो मैं प्राइस आपको बताऊँ वो 8GB वेरिएंट वाले की बताऊँगा, 4 वाले की आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर जो है सैमसंग ने अपना खुद का प्रोसेसर यूज़ किया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सैमसंग जो है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वगैरह या हीलो का भी कभी कभार यूज़ कर लेता है, लेकिन जो एक्सिनोज है वो अपने अच्छे जो स्मार्टफोन है, जो अच्छे ब्रांड, मतलब जो अच्छे अपने स्मार्टफोन है उनमें ही यूज़ करता है। जैसे यहाँ पर सैमसंग ने यूज़ किया अपना खुद का प्रोसेसर एक्सिनोज 1280। अब ये प्रोसेसर गेमिंग वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है। इस प्रोसेसर में अगर आप हैवी किस्म की गेम्स खेलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर बात करें प्रोसेसर वाइज, तो प्रोसेसर वाइज यहाँ पर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000 जो है बैटरी मिल जाती है। और अगर बात करें बैटरी वाइज, तो बैटरी भी आपको सैमसंग ने काफ़ी एक जो है ठीक ठाक दे दी, इतनी ज़्यादा भी आपको अच्छी नहीं दी, मतलब कि आपको एक जो है नॉर्मल यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। और अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी A53 5G की प्राइस की, तो यार ये जो आपको स्मार्टफोन है ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में 86,000 का मिलेगा। 86,000 में आपको ये स्पेसिफिकेशन मिल रही है वो भी सैमसंग की, तो मेरे ख्याल में ये आपको मतलब ठीक मिल रही है। अब अगर बात करें और स्मार्टफोन की, तो वो भी आपको इससे ज़्यादा प्राइस में, मतलब इससे कम जो है स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो आपको पता है सैमसंग एक ब्रांड है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर अच्छा कैमरा दे रहा है और अच्छी आपको यहाँ पर जो है एक डिस्प्ले एंड जो है रैम दे रहा है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए स्मार्टफोन को, तो ये जो है अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। अब दोस्तों, ये था सैमसंग गैलेक्सी A53 5G। काफ़ी लोगों के माइंड में ये था कि यार ये स्मार्टफोन शायद वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आप लोग ये स्मार्टफोन बाय करना चाह रहे हैं तो आप ये जो है बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये थी सैमसंग गैलेक्सी A53 5G की स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन एप्स और टेक्नोलॉजी लेक्चर्स सुनना चाहते हैं तो अभी द टेक लेक्चरर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। अब दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।